ऐसे भगवान में ही भगवान को हृदय विन्यस्य, ये भगवान की भक्ति कैसे कर रहे थे, जग आदि कैसे करते थे, भगवान को ही हृदय में बसा लिए थे। तमेव हृदय विन्यस्य विशेषेण न्यस्य, हृदय में भगवान बसे हुए थे और इस तरह जग करते थे, भजन करते थे। भगवान समस्त जीवों के हृदय में बसते हैं, वो गुहाशय कहते हैं, या अपने गुप्त वैकुंठ धाम में रहते हैं, अलौकिक अप्राकृत धाम में। ऐसे प्रभु को अपने हृदय में बसा लिए थे, जिन्हें वासुदेव भी कहते हैं। वासुदेव मतलब वसुदेव जी का पुत्र श्री कृष्ण, अथवा समस्त जगत के जन्मदाता और पालने वाले वासुदेव, जिनका एक नाम नारायण भी है। नारायण, नर का अर्थ होता है जीव और नार का अर्थ होता है जीव समूह। समस्त जीव समूहों के अयन है, आश्रय है भगवान श्री हरि, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। सबका पालन वही कर रहे हैं, सबको जन्म दिए हैं, सब प्रकार के जीवन की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, देह भी दिए हैं और देह से भोगे जाने वाली वस्तु भी वही बनाए हैं, तो उनको नारायण कहते हैं। अणियांशम, जो अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात दुर्गे है, जिनको जानना बहुत कठिन है, जिनका शरीर चिन्मय है, दिव्य है, जिनकी लीलाएं दिव्य हैं, धाम दिव्य है, सब कुछ है, तो ऐसे भगवान नारायण की वे आराधना करते थे, हृदय में बसाए हुए थे और बाहर भी यज्ञ आदि करते थे। तो एवं वर्ष सहस्राणी मनः षष्ठैः मनः सुखम विदधानोऽपि नातृप्यत सार्वभौम कदिन्द्रियैः। इस प्रकार 1000 वर्षों तक मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा ये विषयों को भोगते रहे, भजन भी करते थे, आध्यात्मिक में भी उनकी प्रगति थी, पूर्ण भगवान के भक्त थे और जनता का पालन भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, और इसके साथ पूर्ण मात्रा में सुंदर भोग उनको सुलभ थे। फिर भी कदिंद्रिय ही बहिर्मुखी इंद्रियों से भोगे जाने के कारण भोगों से उन्हें कोई सुख नहीं मिला। एवं वर्ष सहस्राणी मनः षष्ठैः मनः सुखम विदधानोऽपि न तृप्यते सार्वभौम कदिंद्रिय। वे सार्वभौम थे, समस्त भूमि के सम्राट थे, अतः भूमि में मिलने वाले सारे भोग उनके लिए सुलभ थे, परंतु उन भोगों को 1000 वर्ष तक भोगने के बाद भी न अतृप्यत, वे सुखी नहीं हुए, क्योंकि वास्तव में भोगों में सुख है नहीं। महाराज जजाति उस समय हुए थे जिस समय अम्बरीश महाराज का राज्य शासन था। अम्बरीश महाराज सूर्य कुल में जन्म लिए थे, जैसे सबसे पहले वो वंश चलता है भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी दूसरी पीढ़ी हुए, और ब्रह्मा जी से मरीचि तीसरी पीढ़ी, मरीचि से कश्यप चौथी पीढ़ी, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान पांचवी पीढ़ी, और विवस्वान के पुत्र हुए सत्यव्रत महाराज, मनु महाराज जो हम लोगों के मनु हैं, छठी पीढ़ी हुई, और फिर मनु महाराज के पुत्र हुए 10 पुत्र हुए इक्ष्वाकु प्रधान, तो उसमें एक नभग है से इक्ष्वाकु निर्गसर जाति दिष्ट धृष्ट करुष काम नरिष्यंतम प्रसद्रम च नभगम च कवि निभु। 10 पुत्र हुए सुदुम्न के बाद ये उत्पन्न हुए थे। तो नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज, इस पीढ़ी में आ रहे थे। और जजाति महाराज सोम वंश में उत्पन्न हुए थे। वो वंश परंपरा ऐसे है, भगवान नारायण जो सबके मूल हैं, और भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से अत्रि, और अत्रि से सोम चंद्रमा, और सोम के बुध, बुध से पुरुरवा, और पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, और नहुष के पुत्र हुए जजाति महाराज। तो लगभग एक समय राज्य शासन था। ऐसी व्यवस्था थी कि जब सूर्यवंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट होता था
तो चंद्रवंश में मंडलेश्वर होते थे उस राजा के अधीन, और जब चंद्रवंश में कोई सम्राट होता था चक्रवर्ती तो सूर्य वंश में उसके अधीन मंडलेश्वर रहते थे, राजा होते थे। तो वास्तव में ये अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्र सम्राट थे, उनके अधीन थे जजाति महाराज। तो एक दिन इनके घर पर नारद जी आए, जजाति महाराज के घर पर, और उन्होंने महाराज अम्बरीश के भक्ति भाव का वर्णन किया कि भगवान के परम भक्त हैं, इतने परम भक्त कि दुर्वासा जी के द्वारा उत्पन्न की गई कृत्या भी अम्बरीश महाराज का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, सुदर्शन चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। ये घटना जब सुनाया नारद जी महाराज जजाति को तो इन्हें वैराग्य हुआ। यद्यपि पहले से ही भगवान के भक्त थे लेकिन फिर भी अब वैराग्य हुआ, तो महाराज अम्बरीश की कथा सुन करके जब इन्हें वैराग्य हुआ, भगवान के भजन की इच्छा हुई कि वन में भजन करूँ, राज्य त्याग करके, स्त्री आदि का त्याग करके, तब वे अपनी पत्नी से ही राजभवन में बैठे बैठे एक कथा सुनाने लगे, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। अपनी पत्नी को भी वो शिक्षा देना चाहते थे कि प्रिय तुम भी भगवान कृष्ण का भजन करो और हम भी भजन करें, हम दोनों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया विषय भोग में। तो उन्होंने इतिहास सुनाया, उस इतिहास को कल प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वे अपने को ही बकरा और अपनी पत्नी को बकरी कह करके ये कथा कहे हैं। कथा बहुत मनोरंजक है लेकिन बहुत शिक्षाप्रद है, इस कथा को कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यसुतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज आवृत्ति करेंगे अथक विंशोध्याय श्री शुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैरोपहनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्वीणो गाथामेतामगायत श्रीभार्गवीयमुङ्गाथा मद्विधाचरिताम्भुवि धीराजस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः पढ़िए।
कोई नाइक हो गॉडलेस होते हैं, कोई नाइक दूसरा नहीं है उनको दिए हुए। Shri Bhargava Yungatham
अनेक रामानिवासिना श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सह महाराज जाति इत्थं इस प्रकार आचरण भोगते हुए कामान इंद्रिय विषयों को स्त्रैण स्त्री के गुलाम अपहनवान विनाश आत्मनः अपना बुद्धवा जानकर प्रियायं अपनी प्रिया पत्नी देवयानी से निर्वीण निर्वीण विरक्त गाथा इतिहास एतां यह जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ अगायत कहने लगे श्रुणु सुनो भार्गवी हे भृगुनंदिनी अमुं यह गाथा इतिहास मद विधा चरिता जिस गाथा में मेरे जैसे व्यक्ति का आचरण कहा गया है भूमि इस संसार में धीरा धीर जन जस्य जिसके विषय में अनुशोचन्ति शोक करते हैं बने वन में रहने वाले ग्राम निवासिनः गांव और शहर में रहने वाले के प्रति तो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जजाति के राज्य शासन प्रजा पालन और भगवान के आराधना की बात कहे अंत में कहते हैं कि एवं वर्ष सहस्राणी मन षष्ठ मन सुखम विदधानोपि न तृप्यत सार्वभौम कदिन्द्रिय इस प्रकार अपने पुत्र से पुरुष से जवानी लेकर जजाति महाराज पूर्ण 1000 वर्ष तक विषयों का भोग किए विषय से तात्पर्य अच्छा से अच्छा खाना स्पर्श करना देखना सुनना सुंघना तो इसको विषय भोग कहते हैं सार्वभौम चूँकि जजाति महाराज संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे अतः उन्हें किसी भी भोग को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं थी उन्हें सब भोग सुलभ थे और उन्होंने खूब अच्छी तरह से भोगा भी विशेष करके देवयानी के साथ वे रहते थे तो देवयानी से होने वाले उनका जो व्यवहार था उसको देखना स्पर्श करना उसकी बातें सुनना कई प्रकार से विषय भोग किए लेकिन विदधानों पर न अतृप्यत वे तृप्त नहीं हुए तृप्ति का अर्थ होता है कि अब मैं सुखी हो गया बिल्कुल आनंद में हो गया ऐसा कभी अनुभव नहीं किए निरंतर
भोगों की लालसा बढ़ती ही गई। भगवान ने गीता में कहा है कि काम जो है किसी वस्तु की इच्छा, यह आग के समान है, जलाने वाला है। जिस व्यक्ति के हृदय में काम है वह निरंतर जलता रहता है, कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो महाराज जनजाति इतने उच्च स्टैंडर्ड से स्तर से संसार के विषयों को भोग रहे थे, इतनी पतिव्रता, परम सुंदरी स्त्री मिली थी और भी कई प्रकार के भोग में सुलभ थे, लेकिन न तृप्त नहीं हुए। महाराज जनजाति ने एक दिन अम्बरीश महाराज के बारे में सुना कि वे इस प्रकार से भगवान के परम भक्त हैं, जिन पर दुर्वासा जी का साथ भी काम नहीं किया। तो महाराज अम्बरीश की कथा सुनने के कारण जजाति महाराज संसार के भोगों से बिल्कुल डिसगस्ट हो गए, मन उब गया उनका। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स इत्थम आचरण कामान। महाराज जजाति इस प्रकार विषय भोगों को भोग रहे थे और वास्तव में वे स्त्रैण थे। स्त्रैण स्त्री को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानने वाला व्यक्ति, उसको स्त्रैण कहा गया है। स्त्री को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख मानता है और उसकी अधीनता में रहता है। स्त्री को देखकर, छूकर, उसकी बोली सुनकर कहीं सुख का अनुभव करता है और रह ही नहीं सकता है बिना स्त्री के, तो उस व्यक्ति को स्त्रैण कहा गया है, स्त्री दास। तो महाराज ने देख लिया कि मैं तो देवयानी के बिल्कुल अधीन हूँ और मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, यह आत्मा का अपहनव नाश है। इस तरह से मैं तो अपना नाश कर रहा हूँ। आत्मा मरता नहीं है, परंतु जब आत्मा भगवान की याद नहीं करता है और उसका जो स्वरूप सिद्ध सुख है जब नहीं मिलता है, तो इसी को आत्मा का नाश कहा गया है। आत्मन अपहनवम आत्मनाश, आत्मघात। इसको बुद्धवा देख लिए, समझ लिए, तब एक दिन अपने राज भवन में ही, अंतःपुर में ही, वे पलंग पर बैठे बैठे और अपनी प्रिया से, देवयानी से यह इतिहास सुनाने लगे। क्यों इतिहास सुना रहे हैं? क्योंकि महाराज जजाति यह अनुभव कर रहे थे कि देवयानी का उद्धार करना भी बहुत आवश्यक है। ऐसी बात करूं कि यह भी भगवान कृष्ण का भजन करे, भक्ति करे और विषय भोग की सीमा हो गई, अब किसी भी प्रकार का भोग भोगना नहीं है। तो ये जो आज का प्रसंग है, खास अपने पति अपनी पत्नी से यह इतिहास कह रहा है। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, प्रियायी, जिस समय महाराज जजाति देवयानी से यह इतिहास कह रहे हैं, तो उसको अपनी प्रिया ही मान रहे हैं। ऐसा नहीं कोई नफरत हो गया उनको, घृणा हो गई, नहीं, उसके हित के लिए यह सोच करके कि ये बड़ी प्रिया है और इसमें भी वैराग्य उत्पन्न करना है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए उसको उत्साहित करने के लिए, ब्रह्म के पथ पर, भगवान कृष्ण की भक्ति के पथ पर लगाने के लिए वे ये इतिहास कहने लगे। गाथन एताम अगायत, एताम गाथन अगायत, यह इतिहास कहने लगे। वह कोई दूसरा नहीं है, केवल उनकी प्रिया देवयानी जी हैं और जयाति महाराज, दोनों बिल्कुल युवक थे।
गुरु की जवानी में लिए थे और देवयानी तो स्वाभाविक ही ज्योति थी, परम श्रेष्ठ थी, उन पर काल का असर नहीं था। उनका शरीर पूर्ण सुंदर, इंद्रियां पूर्ण समर्थ थी, देखना सुनना सब कुछ। लेकिन जब भगवान के भक्ति की आवश्यकता का भाव मन में आया तब जजाति महाराज राज्य छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राज्य छोड़ने से पहले अपनी प्रिया का भी कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए वे सुना रहे हैं। वे कहते हैं, श्रीव भार्गवी अमृंगाथम मद्विधा चरितांभुवि धीरा जस्यानुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। हे भृगु वंश में उत्पन्न श्रीपाद शुक्राचार्य की पुत्री, तुम बहुत श्रेष्ठ कुल में जन्म ली हो, इसलिए मैं जो बात कहने जा रहा हूँ तुम अवश्य उसे पूर्णतः समझ जाओगी। ये भार्गवी संबोधन से यह सिद्ध हो रहा है, भृगु वंश में जन्म ली है देवयानी, अतः वो अपने पति के बात के परपॉइंट को, भावार्थ को समझ जाएगी। इसके लिए वह कह रहे हैं, तुम कोई छोटे कुल में नहीं जन्मी हो, तुम्हारा जन्म भी महान कुल में हुआ है और इसके साथ ही साथ तुम्हारे पिताजी ने तुमको शिक्षा दिया है, तो तुम मेरी बात को समझोगी। अतः हे भार्गवी, हे भृगुनंदिनी, सुनो। क्या सुनो? अमूल गाथा, एक गाथा है, इतिहास है, इसको सुनो। कैसा इतिहास है? महाराज जाति कहते मद विधा चरितान भूई, इस पृथ्वी पर ही ये इतिहास ये घटना हुई थी, जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति का ही चरित दिया गया है। वास्तव बात तो ये थी कि मैं अपनी ही बात में कह रहा हूँ, लेकिन एकाएक उसको दुख न लग जाए, वे चाहते थे कि यह सुन भी मैं भगवान कृष्ण का भक्त हो जाए और इसको कोई दुख भी न हो, अतः इसको एक इतिहास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते मद विधा चरितांभुवि, मेरे जैसे मद विधा आचरिता, इस कहानी में मेरे जैसे व्यक्ति का चरित्र है, मेरा ही चरित्र है, नहीं कह रहे हैं मेरे जैसे व्यक्ति का चरित्र है, तो सुनो इसको। सुनो शब्द से मानो ऐसे कह रहे हैं, तुम बड़े ध्यान से सुनो इस इतिहास को। धीरा जस्यान सोचन्ति बने ग्राम निवासिन, मेरे जैसे ग्राम निवासिन, या गांव से तात्पर्य है गांव या शहर, मेरे जैसे सिटी में रहने वाले लोगों के विषय में वन में रहने वाले धीर पुरुष मुनिजन शोक किया करते। वास्तव में जो शहर में रहनी है और गांव में जो लोग भोगों में रहते हैं, स्त्री संग आदि में, और जीवन के परम लक्ष्य भगवान कृष्ण को बिल्कुल भूल चुके हैं, तो उनके विषय में वन में रहने वाले ऋषि मुनि कभी कभी शोक करते हैं कि क्या इनका कुत्सित जीवन है, शहर में भगवान को विस्मृत कर चुके हैं। तो भगवान की, श्री कृष्ण की याद नहीं करते हैं, इसलिए उनके विषय में मन में रहने वाले वानप्रस्थी लोग या सन्यासी या मुनिजन अनुशोचनते निरंतर शोक करते रहते हैं कि कैसे इनका उद्धार होगा, ये कीड़े मकोड़े की तरह विषय भोग में पड़े हुए हैं। धीर लोग अनुशोचनते अकेले भी सोचते हैं, और कभी कभी सभा जब जुटती है ऋषियों की, भक्तों की, तो लोग सोचते हैं कि क्या जीवन गृहस्थों का है। बहुत निकृष्ट जीवन है वास्तव में वह जीवन जिसमें भगवान की विस्मृति है। क्या है दुनिया में खाना पीना भोगना पैसा इकट्ठा करना सब कुछ। वे लोग भगवान की भक्ति का सुख लूटते हैं ऋषि लोग, तो लोग मन में कभी कभी शोक करते रहते हैं या निरंतर शोक करते रहते हैं, अनुशोचनते।
शोक करने का मतलब है सोचते हैं कैसे इनका उद्धार होगा, ये तो बिल्कुल घोर अज्ञान में डूबे हैं और इनका जीवन अज्ञान में तो है ही परम दुख में भी है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को कहा कि हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो जद हरि मासयेत, मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है पिताजी कि घर गृहस्थी में रहने पर चित्त हमेशा उद्विग्न रहता है, यह करना वह करना यह करना, व्यक्ति दुखी रहता है। तो ऐसे अंधकूप अंधकार से भरे हुए कुएं को गृहस्थ जीवन को छोड़ करके और वन में जा करके भगवान हरि का कृष्ण का आश्रय लिया जाए, उनका भजन किया जाए, यही हमें अच्छा लगता है। हिरण्यकश्यपु ये बात सुना तो उसकी शंका हुई कि इसके गुरुओं ने सिखाया है ये बात, भगवान की भक्ति की बात, उनको डांटने लगा। वो लोग कहे सरकार हम काहे को सिखाने जाए, हम तो ये सब श्लोक जानते नहीं हैं। तो पूछने लगा तुमको कौन सिखाया, कौन दे रहा है बुद्धि? तो श्री प्रहलाद महाराज नारद जी का नाम नहीं रखे, नहीं तो गाली देने लगता। उन्होंने कहा कि भगवान सबके हृदय में है, वही मेरी बुद्धि को घुमा रहे हैं। ऐसा कहते, खैर वो दूसरी कथा है। तो श्री प्रहलाद महाराज सीधा कहते हैं कि हित्वात्म पातम गृहमंधकूप, ये गृह क्या है, अंधकूप है। अंधकूप का मतलब क्या है, अंधकार से भरा हुआ रिजेक्टेड कुआं, जहाँ कोई पानी भी भरने नहीं आ जाता है, घास छा जाता है उस कूप पर, बरसात में घास बढ़ जाती है तो कभी कभी कुआं दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो कोई मूढ़ पशु हरी हरी घास के लोभ में चरने के लिए जाता है और उसे कुएं में धड़ाम से गिर जाता है, गिर जाता है, कोई देखता भी नहीं है कि पशु उसमें गिरा हुआ है, सड़ा हुआ पानी और नीचे सर्प भी रहते हैं, वो उसी में छटपटा कर मर जाता है। तो गृहस्थ जीवन क्या है, ऐसा ही अंधकूप है, इसमें गिर करके आदमी हाय हाय कर रहा है। तो आजकल के मूर्ख लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें तो बड़ा सुख है, ये अंधकूप क्या है, लेकिन प्रहलाद महाराज जो कहते हैं वही सत्य, हमेशा दुख में व्यक्ति रहता है। इसीलिए वन में रहने वाले भक्तजन ऋषिजन शहर में रहने वाले के प्रति इस तरह शोक करते हैं, उनका जीवन बेकार बेकार जीवन, व्यर्थ जीवन। सबसे अच्छा जीवन है भगवान का नाम जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शहर में रहने वाले व्यक्ति भले कोई मिनिस्टर हो कुछ भी हो, लेकिन उस पर भक्त लोग तरस खाते हैं, बेचारे का क्या जीवन है, इस समय तो मान लीजिए कोई बड़ा पद है और इसके बाद मरेगा तो शुकर कुकर आदि जोनियों में जन्म लेना पड़ेगा, क्या ये जीवन है। शोक करते धीरा जस्या में सोचंती बने ग्राम निवास में, धीर किसको कहते हैं, जो इंद्रियों के मांग के वश में नहीं होता है, भगवान के भक्ति में अपने मन को लगाया है, जिह्वा से नाम उच्चारण करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के लीला कथा आदि में उसका मन लगा है, वाणी लगी है, श्रवण लगे हैं, तो इस व्यक्ति को धीर कहते हैं, धीर गंभीर। और सब व्याकुल है, यहाँ भोग मिले ये मिले मिले, देख ही रहे शहरों में इतना व्यग्र चाल से लोग चल रहे हैं, यहाँ तो कम है लेकिन विदेश में कारें चलती हैं इतनी फास्ट कि क्या करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि मंगला आरती छूट रही है इसलिए जा रहे हैं, यहाँ जाए यहाँ खाने को मिले, यहाँ पैसा मिले, ये मिले ये मिले, और कारें हरहर 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 चल रही, इतना तेज गति से भाग रहा है आदमी, भाग रहा है इतना तेज गति से सुख पाने के लिए, लेकिन क्या सुख मिल जाता है? इधर का आदमी वहाँ भाग रहा है, उधर का आदमी उधर जा रहा है, भाग रहा है भाग रहा है,
दिन भर में थक करके रात में मरे जैसे सो जाते, सुखी नहीं होता है। किसी से पूछिए कि आप सुखी हैं तो व्यक्ति बताता है अरे मत पूछिए मर गया, कोई सुख नहीं, भाग रहे हैं। अगर मान लीजिए कार से निकल करके या बाईवान से निकल करके सीधा आदमी भागे तो उसको सब लोग मना करें अरे क्या बेचैन हो रहा है वो मत तुम रुको रुको, लेकिन कार में इतना गति से भाग रहा है तो आदमी ही भाग रहा है ना, और किस लिए भाग रहा है कि उस स्थान पर जाऊंगा, इस सामान को इधर बेचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो कहाँ सुखी हो रहा है। तो ऐसे बेचैन जो रहते हैं उनको अधीर कहते हैं, और जो शांत है भगवान के स्मरण में आनंद लूटते हैं उनको धीर कहते हैं, धीर। तो धीर लोग गांव निवासी के विषय में शौक किया करते हैं, सोचते रहे ठीक है तो इतिहास सुनाइए उसमें क्या इतिहास है। मान लीजिए प्रिया देवयानी पूछ रही है तो महाराज कहते हैं वस्तये को बने कश्चित विचिन्न प्रियमात्मन ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म वसगाम अजाम। वस्त का अर्थ बकरा है प्रिय, एक बकरा है यथा ये सभी जीवों की कथा कह रहे हैं, व्यक्तिगत अपने लिए ही नहीं लेकिन वस्त एक बकरा वन में रहता था, बने संसार है श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, यह वन का अर्थ है संसार में। वास्तव में इस संसार में मनुष्यों की वही दशा है जो बोका की दशा होती है बकरा की। बंगाल में बोका माने एक नंबर का मूर्ख, बोका वो करोती थी बोका, अखंडानंद सरस्वती अर्थ कहते थे जो वो करे उसको बोका कहते हैं। तो हमेशा अपने स्त्री की चपरूसी में रहता है, बकरी को मनाने में बहुत टाइम उसका जाता है, बकरे को देखा गया। तो ऐसा एक बकरा था वन में, तो विचिन्न प्रियमात्मन अपना प्रिय विषय खोज रहा था, वन में था खोज रहा था क्या प्रिय विषय था उसका, जो भी ये संसार जो है वास्तव में वन की तरह है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए प्रिय विषय खोज रहा है, इंद्रियों का विषय चाहे जो भी। लेकिन उसका अर्थ ये हुआ कि वो बकरा पानी खोज रहा था, उसे प्यास लगी थी, तो ददर्श कूपे पतिता, पानी पीने के लिए जब वह बकरा एक कुआं में झांका, कुआं में गया तो देखा एक बकरी उसमें गिरी हुई है। ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म बसगाम अजाम, अजाम मैंने बकरी, एक बकरी कुएं में गिरी हुई, बकरा ने देखा कि एक बकरी कुएं में गिरी हुई है, क्यों गिरी थी, स्वकर्म बसगाम अपने कर्म के कारण, अन्य बकरियों से इसने झगड़ा किया था साड़ी पहनने के कारण, इसलिए उन लोगों ने पटक दिया, ये मतलब था। तो देवयानी जी बिल्कुल शुरू में ही समझ गई होंगी, लेकिन उन्हें भी सुख मिल रहा था सुन करके, ये भगवान के पथ पर अब चलना है, हो गई गृहस्थी और हो गया विषय भोग, एक उसकी सीमा होती है, अब भगवान का चरण कमल पाना है। तो वह भी महिला वास्तव में बहुत बड़े पुरुष की बेटी है, तो उसमें भी संस्कार है, अतः अपने पति की बात पर उसने दोष बुद्धि नहीं किया। तो कहते स्वकर्म बसगाम, अपने कर्म के बस में होकर के वो कुएं में गिरी थी, भाई क्या कर्म किया था। तो कर्म किया था, झगड़ा किया था, वो कुएं में गिर गई थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विवाह के पहले कोई कन्या वास्तव में कुएं में गिरी जैसी ही लगती है, जब विवाह होता है तब ठीक हो जाती है, कोई व्यक्ति उसके साथ विवाह करता है तो एक प्रकार से उस कन्या का उद्धार हुआ, उद्धार करता है।
तो वह बकरी कुएं में गिरी थी, तो बकरा देखा तो तस्य उद्धरणोपायं वस्त्रकामी विचिन्तयन् व्यधत्त तीर्थमुद्धृत्य विषाणा ग्रहण रोदसे। तो जब वो बकरा देखा, उस बकरी को कुएं में गिरी हुई, उसे बहुत पसंद आई, वो उस बकरे को बहुत अच्छी लगी वो बकरी। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, वास्तव में बकरा बकरी की दशा है संसार में सबकी, अगर देखा जाए विचार करके। तो महाराज जगाते जो कथा कह रहे हैं ये कोई गलत नहीं है। तो उस बकरा ने देखा बकरी को, तो तस उद्धरणोपायम तीर्थम विधत, तो उसके उद्धार का उपाय बकरा करने लगा। क्या उपाय किया कि रोधसी कुएं के तट को विषाणाग्रहण अपने सिंह के अग्रभाग से उसको खोदा, डाउन किया। वास्तव में धनुष से एक खोदे थे, लेकिन उसको कथा के सौंदर्य के लिए सिंह के अग्रभाग से विषाण मैंने सिंह तो हर सिंह के अग्रभाग से कुएं के तट को खोदा, डाउन किया और उसके निकालने का उपाय किया और तीर्थम व्यधत्त निर्गम उपाय किया और सफल हो गया, मतलब निकाल लिया उसको, कुएं में गिरी हुई उस बकरी को निकाल लिया बकरा। सोतीज कुपात सुश्रणी तमेव चकने किला, और वह परम सुंदरी बकरी जब कुएं से निकली, सा उत्तीर्ज जब कुएं से निकली तो तमेव चकने, उसी बकरे को ही पसंद की, उनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, क्योंकि हमारे साथ कोई भी दूसरा बकरा विवाह नहीं कर सकता, ब्राह्मण विवाह नहीं कर सकते। तो तम एवा उसी बकरे को उसने पसंद किया। तया वृत्तम समुद्र वृक्ष बहु अजा कांत कामिनी, तो उस बकरी ने उसको वरण किया, उसके साथ विवाह किया। जब अन्य बकरियों ने देखा, स्कूल में गिरी हुई बकरी ने इसके साथ विवाह किया है, तो अन्य बकरियों की भी इच्छा हुई कि हमारे साथ भी इसका संबंध होना चाहिए इस बकरे का। बहु अजा कांत कामिनी, यह हमारा कांत बने, ये हमारा पति बने, यह इच्छा अनेक बकरियों के मन में हो गई। अनेक बकरी से तात्पर्य शर्मिष्ठा प्रधान बकरी, ये अर्थ है। क्यों उस बकरे की इच्छा किया अन्य बकरियों ने, क्योंकि पिवानम समश्रुणम पृष्ठम मिलवांसम जाभ कोविदम स एकोज विशस्तासन बहुवी नाम रतिवर्धन रेमे काम ग्रह ग्रस्त आत्मानम लाव बुद्ध। वह बकरा बहुत पुष्ट था, पीवान मोटा था, वो साधारण बकरा नहीं था, वो राजा था, इसलिए बहुत तंदुरुस्त था। अपने को ही कह रहे हैं पीवानम, बहुत मोटा तगड़ा था। और समश्रुणम, उसकी बड़ी सुंदर दाढ़ी थी, समश्रु बकरे की दाढ़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कथा के लिए कह रहे हैं, यह समश्रुणम का अर्थ है कि वह रति समर्थ था, ये अर्थ है। और मिढ़वांसम रेतः सेक्तारम, उस बकरे में बहुत शक्ति थी और किसी बकरी में गिरजाधान करने में बहुत समर्थ था। और याभ कोविदम, वह स्त्री के साथ रहने में मैथुन में बहुत कुशल था, अभिज्ञ था वो बकरा। इस कारण से प्रेष्ठम, तो सभी बकरियों का बहुत प्रिय प्यारा था।
अतः स एक अज वृषः बकरों का सरदार, वह बकरा बहुत सी बकरियों के साथ रहने लगा। बहुलंगति वर्धव, बहुत के साथ रहने लगा, रमण करने लगा बहुत बकरियों से। रेमे काम ग्रह ग्रस्त, वो बकरा काम रूपी ग्रह से ग्रस्त हो गया। काम वास्तव में ग्रह के समान है, जैसे किसी को भूत लग जाता है, ग्रह लग जाता है, तो व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं रहता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति में काम वासना होती है, वैसा ही लगता है कि यह काम रूपी ग्रह से ग्रस्त हो चुका है। तो कहते रे में रमण करने लगा बहुत बकरियों के साथ, क्योंकि काम ग्रह ग्रस्त, काम रूपी ग्रह से ग्रस्त था। आत्मानंद नाव बुद्ध देता और अपने को बिल्कुल नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, कौन मेरा है, या जीवन क्षणभंगुर है, भगवान का भजन करना चाहिए, इस बात को बकरा बिल्कुल भूल गया। आत्मानंद न अवबुद्ध्यत, अपने स्वरूप को नहीं सोचा, भगवान की याद नहीं किया, काम रूपी ग्रह से ग्रस्त था। एक घटना घटी कि तमेव पृष्ठ तमया रम मारम अजान्यया बिनो के कुप संविघ्न नमृष्यत वस्त्र कर्म। एक दूसरी बकरी थी जिसका नाम सर्वेष्ठा था, इनके भाव मन में कहने का आशय है। तो पृष्ठ तमया, उस बकरे को, वह जो बकरी थी जो कुएं में गिरी हुई बकरी के अलावा, वह उस बकरे के लिए पृष्ठतमा थी, इसको बहुत प्रिय वो बकरा बहुत पसंद करता था उस बकरी को। तो वो क्या किया कि उस बकरी के साथ भी रमण करने लगा, रहने लगा, जिसका नाम सर्वेष्ठा था। उस बकरी के साथ जब रमण करने लगा तो जो बिलो के कूप संविघ्न, जो कूप में गिरी थी बकरी जिसका उद्धार बकरा किया था, वो देखी तो इस काम को सह नहीं सकी, बकरे के इस क्रिया को, कर्म को सह नहीं पाई। सह नहीं पाई तो भाग करके चली गई। एक ब्राह्मण के यहाँ चली गई, यहाँ पर द्विज शब्द कह रहे हैं। सो पिचानुगत सहसा कृपणस्तम प्रसादित कुर्बन ई विडा कारण न सपनो पथि संदित। वह बकरी उसको छोड़ करके भागी, जिस बकरी को कुएं से निकाला था उस बकरी ने देखा कि दूसरी बकरी के साथ रह रहा है, उससे भी तीन तीन पुत्र उत्पन्न कर दिया। तो वह बकरी उस बकरे को छोड़ करके भागी, क्या मान करके, तुम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रिया रामम उत्सृज स्वामिनम दुखिता जय। वो कुएं में से जो निकाली गई बकरी थी वो उस बकरे के कर्म को नहीं सहन कर पाई और कहने लगी, सोची ये दुर्हृदम, ये जो बकरा है जो मेरा पति बना हुआ है, इसका हृदय बहुत खराब है, इसके मन में बहुत काम वासना है, और सुहृद रूपम, और ऊपर से सुहृद का रूप बनाया है, पति बना है, ऊपर से प्रेम दिखाता है, लेकिन दूसरी बकरी के साथ भी ये संपर्क कर रहा है। कामी नम, वास्तव में यह कामी है, प्रेमी नहीं है। क्षण सौहृदम, इसका जो प्रेम है ये थोड़े समय के लिए है, यह अवसरवादी है, कुछ दिन प्रेम किया और इसके बाद दूसरी बकरी से प्रेम करने लगे। इंद्रिया रामम, यह इंद्रियों के भोगों में ही रमता है, यह सोच करके वो अपने स्वामी के पास भाग गई। तो बकरी स्वामी मतलब विवाह के पहले उस बकरी का जो पालन किया था, उस ब्राह्मण के पास चली गई। स्वामिनम जो अपने स्वामी के पास चली गई, यहाँ स्वामी से तात्पर्य जो है विवाह से पहले
जो पालन करते हैं, जन्म देते हैं, तो पिताजी अपने पिता के पास भाग गई, दुखिता दुखित थी। तो जब वो भागी तो तस्यानुगत काम स्त्रैण सोपी चालुगत स्त्रैण, वो बकरा इतना स्त्रैण था कि जब वो बकरी अपने पिता के यहाँ भागने लगी तो वह भी अनुगत, बकरा भी अनुगत उसके पीछे पीछे चल दिया। स्त्रैण वो स्त्री के पराधीन था, मनाता गया कृपण स्थान प्रसादित। वो बेचारा ये सोच रहा था कि मैं कैसे जीऊँगा, कैसे स्त्री के बिना रहूँगा। तो उस स्त्री को, उस बकरी को मनाने मनाते मनाते सक्षम नहीं हुआ। कुर्बन ईद विदा कारम, बकरा जैसे बकरी को मनाता है, ईद विदा कारम मतलब बकरे की जाति का जो शब्द है, देखे हैं बकरी को चारों तरफ से मनाता है, आगे से पीछे से बगल से मनाता है। तो ऐसे वो बकरा उसको मनाने मनाना चाह, यहाँ तक कि चरण संवाहन भी कर रहा है, मसाज किया चरण का, लेकिन फिर भी वो बकरी नहीं मानी तो भाग ही गए। तस्यास्तत्र दिव्य कश्चित, वहाँ पर बचपन में उस बकरी का जहाँ पालन हुआ था वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था। बकरे को अज कहते हैं और ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। महाराज जजाति ये कह रहे हैं द्विज वहाँ एक था और बड़ा खतरनाक द्विज था। उस बकरी ने जब शिकायत किया कि यह बकरा अन्य बकरी का संग भी किया है, तो वो ब्राह्मण जो अजा स्वामी, वो भी एक बकरी का पति ही था, अजा स्वामी शुक्राचार्य कवि कह रहे, वो भी तो आखिर एक बकरी के फेर में ही था, अपनी पत्नी, वो भी ब्राह्मण था लेकिन वो भी बकरी का पति था। तो जब वह बकरी उसकी पुत्री जाकर के उसे शिकायत की और साथ में वो बकरा गया ही था, तो ब्राह्मण क्या किया, छुरा ले करके और बकरे के लंबन्तम विषण अच्छिना लटकते हुए अंडकोश को काट दिया। इसका मतलब उसके संभोग के सामर्थ्य को हर लिया, उसे बूढ़ा बना दिया, बधिया कर दिया, इसको बंध्या करना कहते। तो वो ब्राह्मण उस बकरे को बेकार कर दिया, उसकी संभोग समर्थ को हर लिया, बेकार हो गया मतलब बूढ़ा बना दिया। परंतु लंबन्तम विष्णु भूय सन बधे अर्थाय योगवित, योगवित बहुत बड़ा उपाय जानता था ब्राह्मण, योग मन उपाय, काटा उसका अंडकोश लेकिन तुरंत जोड़ दिया, तुरंत जोड़ दिया। किस लिए, अर्थाय उसकी जो बेटी बकरी थी उसके कामोपभोग के लिए। वो जो ब्राह्मण है उस बकरे का अंडकोश जोड़ा तो उस बकरे पर दया नहीं थी, उसकी दया अपने पुत्री पर थी, बकरी पर, उसके सुख के लिए उसने फिर से उसको रति समर्थ कर दिया, भोग में समर्थ कर दिया। मतलब जवानी बदलने के बाद कहीं बुढ़ापा दे करके जवानी ले सकते हो, ऐसी व्यवस्था उस ब्राह्मण ने कर दिया। मानव जजाति जो भी बात कह रहे हैं उसका उसका वाच्य सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वही केवल बकरा थे, वो तो बिल्कुल बकरा नहीं है, वो तो महात्मा थे जिन्होंने भगवान का धाम पाया, भजन किया, लेकिन बाकी लोग तो बकरा बकरी ही हैं वास्तव में, भूले हुए कृष्ण को, भगवान को। तो संबद्ध विष्णु स्वपि यजया कुपलब्ध है कालम बहुत इथम भद्र कामर नाद्यापि पुष्यति। तो हे भद्र, देवानी को दुख न लगे इसके लिए उसको भद्र संबोधित कर रहे हैं। हे कल्याणी,
तुम्हारा जीवन उज्ज्वल है, तुम्हारे जीवन में कोई कलंक नहीं है देवयानी, तुम बहुत अच्छी हो। तो उस बकरे का जब अंडकोश जुड़ गया अर्थात जवानी मिल गई उसको, उसके ससुर ने ही यह व्यवस्था कर दिया, तो संबद्ध वृषण सोपी, जब उसका वृषण जुट गया तो वह अजया कुप लग गया, कुएं में मिली हुई उस बकरी के साथ बहुत तिथम कालम बहुत वर्षों तक भोग करता रहा उस बकरी के साथ। लेकिन अद्याकामर अद्याप न तुष्यति, आज तक संतुष्ट नहीं हुआ वो बकरा। कुएं में प्राप्त उस बकरी के साथ रहता है, उसके साथ संभोग करता है रहता है, लेकिन आज तक वो तृप्त नहीं हुआ। यही इतिहास है महाराज जजाति इस तरह से इतिहास कह रहे हैं। अब इस इतिहास को अपने पर लागू कर रहे हैं। तथा हम कृपण शुभ्रो भवत्या प्रेम जंत्रितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव माया। तथा अहम, हे प्रिय, जिस बकरे का इतिहास मैं तुमको सुनाया, तथा अहम मैं भी वैसा ही हूँ। तथा अहम वास्तविक बात है कि सो हम मैं वही हूँ जो कथा में मैं कहा, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा भद्दा हो जाएगा, इसलिए कहते तथा अहम उस बकरे के समान ही मैं भी भवत्या प्रेम जंत्रिता तुम्हारे प्रेम के वश में हो गया और तुम्हारी माया से मोहित हो गया। और आत्मानम न जाना, मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, भगवान को नहीं जानता। दो तरह से मैं अज्ञानी बन गया हूँ, एक तो तुम्हारे प्रेम से जंत्रित हूँ, प्रेम से जंत्रित का मतलब है पत्नी सेवा करती है पति की, मधुर वचन बोलती है, सेवा करती है, तो इसको प्रेम कहा गया। दो प्रकार का बंधन महाराज जाति कह रहे हैं, भवत्या प्रेम जंत्रिता और मोहितस्तव माया, प्रेम जंत्रिता और मोहिता, तुम्हारी माया से मैं मोहित हूँ। माया का अर्थ है तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारे मुस्कान से मैं मोहित हो चुका हूँ। मोहित का अर्थ है कि मैं इसी को सबसे बड़ा सुख मान लिया हूँ, तुम्हारे साथ रहना, तुमको देखना, तुमको छूना, तुम्हें आलिंगन करना, चूमना, मैं इसी को अपने जीवन का सबसे भारी लक्ष्य मान लिया। यह है मोह। मोह का अर्थ होता है भ्रम। यह माया शब्द का अर्थ है स्त्री का सौंदर्य। मैं तुम्हारी माया से मोहित हूँ, एक तो ये बंधन है, और दूसरा है भवत्या प्रेम जंत्रिता। मान लीजिए पत्नी बहुत सुंदर है, सुशीला है, पतिव्रता है, और ऊपर से वह वास्तव में प्रेम करे पति से, सेवा करे समय पर बिल्कुल ठीक ढंग से, तो यह पति के लिए और भारी बंधन है, जंत्रिता। महाराज जजाति कह रहे कि तुम्हारे सेवा ने मुझको वश में कर लिया है और तुम्हारी माया ने, तुम्हारे ब्यूटी ने, सौंदर्य ने मुझको मोहित कर लिया है। ये अर्थ है, दोनों तरह से बंधन है, स्त्री का सौंदर्य और उसके द्वारा की गई सेवा। पति इस प्रकार भूल जाता है अपने आप को, और महाराज जजाति कहते हैं आत्मानं ना भी जाना है। पहले तो अपने पत्नी की वो सेवाओं को याद करता है कि बेचारी अपने माता पिता को छोड़ करके हमारे पास आई है, और वही भोजन बनाना, कपड़ा साफ करना, घर द्वार साफ करना, सब कुछ। यह है प्रेम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार से उसके उसका अबलाइज नहीं हो जाएगा।
जिस तरह से स्त्री प्रेम करे, पत्नी प्रेम करे, तो पति स्वाभाविक ही प्रेम यंत्रिता उसके प्रेम के वश में हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मोह है, माया, स्त्री की माया। स्त्री की माया का मतलब टीकाकार वगैरह लिखते हैं, उसका सौंदर्य, उसकी मुस्कान और उसकी बोली। जब वह स्त्री अपने पति से बात करती है, कुछ बोलती है, तो उस पत्नी का वचन वेद की स्तुतियों से भी ज़्यादा अच्छा लगता है व्यक्ति को, सबसे अच्छा लगता है। उस होता है हमारे कान में अमृत का संचार हो गया, और वो भी संबंध परक जब बात बोलती है, यह है माया स्त्री। सूरदास जी ने लिखा है एक पद में, गया है कि हाँ तेरे संग ही मैं जराऊंगी तिया धूत धन खाए। स्त्री कभी कभी कहती है अपने पति से, जब आप शरीर छोड़ देंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकती, आपका शरीर और मेरा एक ही चिता पर जलाया जाएगा।